सर, मेरा नाम डॉक्टर फरुख हुसैन है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मलका इसी चीज़ की तनख्वाह देती है, लोगों की बातें सुनूं। तो आपकी बातें बड़ी गौर से सुनी, पूरी स्पीच। तो दो सवाल पूछना चाहता हूँ और वो रिलेटेड भी नहीं है एक दूसरे से। पहला तो शुक्रगुजार हैं हम लोग नॉन एमडी कि आपने इतने प्यार से बुलाया और बिठाया और खाना खिलाया। तो बीइंग गेस्ट एंड यू बीइंग द होस्ट, वी आर सिंसियरली थैंकफुल टू यू। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ हजूर कि जो लोग हॉल में थे नीचे, जिनमें हम लोग भी शामिल थे, कि ओपिनियन लीडर्स थे, लॉर्ड्स थे, एमपीज़ थे, मेयर्स थे, वो तो आपकी बात सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, किसी हद तक शायद उनके दिल या दिमाग में उतर भी जाए। लेकिन असल बात यह है कि एक आदमी बाय द नेम ऑफ मोहम्मद किल्स चिल्ड्रन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो जो मोहम्मद जो जिसने उसने किया है, अगर मैं हजूर का नाम लेता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता, ए मैन हुज किल्ड दिस चिल्ड्रन एंड जूश पीपल एंड सोल्जर्स इन फ्रांस। वो तो दुनिया के हर टीवी चैनल पे, हर फ्रंट कवर पे, हर जगह पे आगे और आता रहेगा। उसके भाई को भी पकड़ लिया उन्होंने, हमारी बात कोई नहीं पूछा, लेकिन आपकी बात कोई नहीं। मैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वी हैव गॉट द मैसेज, पीस फॉर ऑल एंड लव फॉर ऑल एंड हेटर टुवर्ड्स नॉन। लेकिन जेडे बाहर लोग बैठे ने, उन्होंने कौन समझाइए, किस तरह समझाइए? वो तो समझाए, तभी तो मैंने कह दिया है, मुझे पता नहीं मेरे खतों का भी कान पे जूं रेंगती है कि नहीं रुकती। हालांकि मुझे पता है बाजों को हाथ में पहुंच चुके हैं खत। साइकेट्रिस्ट मैं हूं, लेकिन आप माइंड, यू कैन रीड माय माइंड। दूसरा सवाल ये था कि आपने जो खत लिखा, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, टुवर्ड्स पीस वी आर स्ट्राइविंग ऑल, बट यू हैवंट टोल्ड अस के रिप्लाई क्या था। वो एक अंडर सेक्रेटरी, थैंक यू फॉर योर लेटर, क्या क्या वो मुझे तो पोप की तरफ से थैंक यू भी नहीं आया, हालांकि उसके हाथ में खत गया है। अच्छा, और इसी तरह ओबामा के हाथ में भी चला जाएगा, वो चला गया है, वो भी नहीं थैंक यू आएगा। शायद कनाडा की तरफ से थैंक यू आ जाए, क्योंकि वो हमारे काफ़ी लिहाज करने वाले हैं। लेट अस पुट आवर हैंड्स, लेकिन ये है कि तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो मीडिया हमारा है जी, इस्लामी मीडिया जी, जो हमारे पास सामने यहाँ बैठे हैं जी, जो हमारे दोस्त हैं जी, यही अपने हलके में ही इस बात को पहुँचाते हैं, इसी तरह जिस तरह कहा गया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, कुछ हद तक तो पहुँचेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरी बातों का उस पर असर होगा कि नहीं जी। और ये भी मैं बता दूँ कि चाहे असर हो ना हो, हमने ये कहते चले जाना है। कुरान करीम ने जब हुक्म दिया आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके आपकी वसातत से मुसलमानों को, तो ये नहीं कहा कि तुम एक दो बात कहो तो खामोश हो जाओ। वहाँ जिक्र का हुक्म है कि नसीहत करो और करते चले जाओ। अच्छा, ठीक है जी। और आगे जुमे पे भी हम सूरत पढ़ते हैं, लस्त अलैहिम बिमुसैतर, के तुम उन नसीहत करो, तुम दरोगा नहीं हो उनके ऊपर। अच्छा, तुम अपना काम किए जाओ, तुम्हें उसका सवाब मिल जाएगा। जिस दुनिया ने बचना होगा वो बच जाएगी, बाकी जिसको अल्लाह ताला ने तबाही जिसके मुकद्दर में करती हुई है उसने तबाह होना है। सर, लेकिन एक खत छोड़ के लिखना, एक खत लिख के छोड़ना नहीं चाहिए, या तो पिटीशन हम लोग लिखें या इस बात को आगे बढ़ाएं या मीडिया को यूज करें। अब आप अपने हलके में बनाए ना, ले ना 50,000 दस्तखत, भेज प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा जी, हैं, ओके सर, हाँ।